अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ शबरात के हवाले से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल कर दें, इससे होगा मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं चने की दाल का हलवा। सबसे पहले मैंने एक पाव चने की दाल ली, इसको मैंने भिगो दिया था 2 से 3 घंटे। उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया 2 पिंच सोडा डाल के। इसके साथ ही मैंने घी लिया 1 पाव जितना। इसके साथ मैंने चीनी ली है 1/2 पाव और ये इलायची पाउडर भूल गई थी, ये बादाम लिए मैंने 10 से 15 और ये चांदी का वर्क लिया है। अब जैसे जैसे बनाते रहेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें बताती रहूँगी। सबसे पहले मैंने एक भगोना लिया जिसमें आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैंने भगोना लिया, इसके अंदर मैंने खाली चने की दाल को ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ हमें चने की दाल को भूनना है। हमारा फोकस ये है कि हमें चने की दाल को जितना अच्छा भूनेंगे ना उतना अच्छा ही हमारा हलवा बनेगा। इसको तकरीबन भूनने के लिए आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे भूनने में। उनने में हाथ में थोड़ा दर्द हो जाएगा, मान सकती हूँ मेरे हाथ में भी हो गया है, क्योंकि हम हाथ इतना नहीं चलाते जितना इस दाल में चल रहा है। तो खैर, हलवा अच्छा चाहिए तो हाथ तो चलाना पड़ेंगे ना। तो खैर, अब इसमें देखें शबरात है तो शबरात के अलग नाम पे कर रहे हैं तो अच्छा तो होना चाहिए। अब देखें भूनते भूनते इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो गई है। 20 से 25 मिनट मैंने इसको भूना है तो इसकी शक्ल इस तरह हो गई है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। देखें जैसे जैसे हम घी डालते रहेंगे जितनी ज़रूरत होगी उतना ही घी डालेंगे। ठीक है, अभी देखें मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच जिससे हम सालन बनाते हैं ना वो चम्मच मैंने लिया, उससे मैं खाने इसमें डाल रही हूँ। अभी मैंने 2 चम्मच डाला, 2 चम्मच के साथ मैं इसको भूनते रहेंगे। पर देखें प्लीज़ बार बार कहती हूँ कि हमें चम्मच को चलाते रहना है, हाथ को नहीं रोकना। अगर हम हाथ रोकेंगे तो हमारा जो मिक्सचर बना रहे हैं दाल का और ये साइडों पे ये नीचे लग गया ना तो हमारा जल जाएगा हलवा, बेकार हो जाएगी सारी मेहनत। अब देखें मैंने इसमें शुरू से लेकर अब तक 3 चम्मच मैं इसमें घी के डाल चुकी हूँ। मैं 1 पाव दाल का बना रही हूँ। अब देखें मैंने इसमें 1/2 पाव चीनी ली थी, उसमें मैंने जितनी चीनी मुझे ऐड करनी है वो मैंने ऐड कर दी और इसमें मैंने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया। वो वीडियो थोड़ी स्किप हो गई, ठीक है, यानी कि इलायची पाउडर और चीनी को दोनों को हमने एक साथ डाल दिया। जितनी हमें चीनी की ज़रूरत होगी उतनी चीनी डालते रहेंगे। तकरीबन हमें 20 मिनट तक भूनना है इसे। फिर इसके साथ देखिए मेरा हलवा जो अच्छी तरह भून चुका है तो मैंने एक ट्रे ली है जिससे मुझे इस फैलाना है हलवे को और चौक चौक पीस देना है। अब देखिए मैंने इस ट्रे में जो है ना घी ग्रीस कर दिया अच्छी तरह से ताकि हमारा हलवा जो है इसमें चिपके ना और जब हम इसको निकालें ठंडा होने के बाद तो ये आराम से ईजीली निकल जाए। अब इसमें हम ना हलवा डाल देंगे। हलवे की शक्ल देखें बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए, कलर बिल्कुल इस तरह हो जाएगा तब आप चूल्हा बंद करेंगे, ठीक है। और तकरीबन इस हलवे को बनाने में 1/2 से 1.5 घंटा लगता है तो प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे हलवा तो आपका बन जाएगा पर वो कच्चा रह जाएगा, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे कहती हूँ कि बार बार कि आप हलवे को अच्छी तरह भूनिएगा दाल को। अगर दाल नहीं भूनेंगे तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। अब देखिए मैंने बादाम पहले ऐड कर दिए पर मैं आपको ये राय दूंगी जब हम थाली में दाल को फैला लें ना यानी कि हलवे को फैला लें तो फिर हम कट लगाएं उसके बाद हम बादाम ऐड करेंगे, ठीक है। पर मैंने बादाम पहले ऐड कर दिए, उससे ही होता है अगर हम शुरू में डालते हैं ना तो बादाम जो है हमारे उखड़ जाते हैं, वो चिपकते नहीं है। तो इसलिए मैं पहले आपको ये राय दूंगी कि पहले आप कट कर लिएगा उसके बाद बादाम डालिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं छुरी की मदद से इसको पेस्ट कर रही हूँ ताकि बादाम जो है ना हमारे हलवे के अंदर अच्छी तरह से जब्स हो जाए। जितने अच्छे जब्स होंगे उतना अच्छा हमारा हलवा बनेगा। आप इसमें पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं पर मैंने खाली बादाम ऐड किए हैं, पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या डालना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखें चांदी का वर्क था मेरे पास, वो भी मैंने इस तरह लगा दिया। लगाने के साथ मैंने इसको, अब ये ठंडा होने लगा है ना तो हम इस पर कट लगाएंगे। मैं पिज़्ज़ा कटर से कट लगाऊंगी, आप छुरी से लगा सकते हैं पर पहले मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि आप पहले कट लगा लीजिएगा उसके बाद कीजिएगा गार्निश, ठीक है। अब देखिए मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है, उससे मैं इसको चकोर चकोर स्लाइस में काट लूँगी। आप इसको ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप उस शेप में इसको काट सकते हैं। पर इसको ठंडा होने तक हमें रखना है, अभी हम कट लगा रहे हैं पर ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी देर जल्दी करना है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए तो ये ड्राई हो जाएगा और इसके बाद हम अपने चूल्हे को ड्राई उसको इनके फ्रिज में से बाहर निकाल लेंगे फ्रीज़र से तो तब भी जम जाएगा, ठीक है। और घी अपने हिसाब से लीजिएगा, मेरा घी तो इसमें 1/2 पाव से भी कम लगा है, 1/2 पाव जितना घी लगा है तकरीबन ना। तो आप बस इसको हलवे को इस तरह रखना है, ज़्यादा गीला भी नहीं करना कि वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब देखें इस तरह मैंने इसके कट लगा दिए, चौक चौक मैंने काट दिए स्क्वायर शेप में। आप जैसे चाहें काट सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।